नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेल्टा PLC रिप्रेजेंटेशन में X, Y, M, S, D, E, F, T और C का मीनिंग क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने इन सभी पॉइंटों को कवर कर रखा है, तो अगर इन सभी पॉइंटों को नहीं देखे तो कृपया इन सबको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी मैंने पॉइंट कवर कर रखे हैं। इसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग सीख पाएं। तो हम जब भी डेल्टा PLC का डेल्टा ISP या WPL सॉफ्टवेयर PC किसी पे भी काम करो, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी बिट स्टेप रिले डेटा रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या रेंज होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये देखिए, हमारा जो फंक्शन है EH2 और SB सीरीज CPU, हमारा जो PLC है उसमें जो इनपुट आउटपुट मेमोरी भी टाइमर काउंटर का जो भी रेंज है, ये इस पे लिखा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर और इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डेल्टा का मैनुअल है, तो आप मैनुअल डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं कि हमारा देखिए X जो होता है एक्सटर्नल इनपुट रिले होता है, जैसे कि मैं बता रहा था X हमारा इनपुट होता है और Y हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए एक्सटर्नल इनपुट रिले इसका रेंज क्या है, X0 से लेके X377 तक है, टोटल 256 ये पॉइंट ऑक्टल है। ऑक्टल मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि X0 से लेके X7 तक आप यूज कर सकते हैं, फिर X10 से लेके X17 तक यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये आपको एक्सटर्नल इनपुट रिले है, वाई जो एक्सटर्नल आउटपुट रिले है। एक्सटर्नल कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी PLC उसमें सिर्फ दो ही चीज़ फिजिकली हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो इनपुट जो X0 पे कनेक्शन करते हैं और एक आउटपुट Y0 से आउटपुट लेते हैं। तो जो दो हमारा X और Y जो होता है ऑक्टल होता है, और यही हमारा एक्सटर्नली कनेक्शन होता है मीन्स फिजिकली। बाकी जो हमारे मेमोरी भी टाइमर काउंटर और स्टेप रिले होते हैं, ये एक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसको कैसे यूज करना होता है इसके भी बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले इनपुट को हम समझ लेते हैं, हम अपने आते हैं ISP सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए इनपुट, हम इनपुट को X0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट को हम सिर्फ इनपुट की तरह ही यूज करते हैं, आउटपुट की तरह नहीं यूज कर सकते। सपोज देखिए मैं लिखा LD स्पेस X0, ये हमारा इनपुट का NO बन के आ गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं OUT आउट X1, आउट मीन्स आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा X1, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए ये आउटपुट हमारा X1 एज ए क्वाइल बन गया, बट हम इसको जब सिमुलेट करेंगे तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पे कंपाइल करके चेक करा देता हूँ। देखिए अभी ये कंपाइलिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एरर प्रोग्राम नेटवर्क ID 1 एरर कोड इतना डिवाइस, देखिए क्वाइल टाइप मस्ट बी YMS एरर। जो हमारा इनपुट होता है इनपुट को हम आउटपुट की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इनपुट जो है तो सिर्फ उसको इनपुट साइड पर ही लिख सकते हैं, ये आउटपुट क्वाइल ये गलत है हमारा, तो हम इनपुट को आउटपुट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और देखिए नंबर ऑफ द इनपुट X ऑक्टल कहने का मतलब क्या हुआ, इसने बोल रहा है देखिए एक बार वन सेकेंड PDF आइए। देखिए एक्सटर्नल इनपुट X0 से लेके X377 मीन्स 256 टोटल पॉइंट बनेंगे, और ये हमारा क्या है ऑक्टल है। यहाँ पे देखिए ऑक्टल लिखा, ऑक्टल मीन्स 8 बिट। अब देखिए इसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे, आप सॉफ्टवेयर पा जाइए मीन्स X0, अगर LDX1 लिखा LDX1 ये भी एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं लिखूं LDX2 ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये तब तक एग्जिस्ट करेगा अगर मैं ये बोलूं कि LDX स्पेस X7 ये भी एग्जिस्ट करेगा, बट मैं ये बोल दूं कि LD स्पेस X8 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आ गया कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करता है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूँ, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए X8 जो लिखा है ये गलत है, डिफरेंट कलर में अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ तो वंस अगेन इसमें एरर आ जाएगा। तो हमारा जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्टल होने का मतलब हुआ X0 से लेकर X7 तक, नेक्स्ट अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये एरर है हमारा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ LD स्पेस X10 तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब जोड़ेंगे X0 से लेके X7 तक टोटल हमारा 8 बिट बनेगा, तो 8 बिट बनने का मतलब क्या हुआ ऑक्टल हुआ। नेक्स्ट हम X8 नहीं लिखे, X9 नहीं लिखे, X10 लिखे मीन्स अब 10 से स्टार्ट होकर कितना तक जाएगा X17 तक जाएगा, LD स्पेस X17 ये मैं लिख देता हूँ आपको वेरीफाई करा रहा हूँ।
ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखूँ एलडी स्पेस एक्स 18 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमारा एरर बताएगा। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आ गया तो ये गलत है हमारा। तो ये इनपुट है, इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और देखिए अलग अलग पीएलसी में अलग अलग इनपुट रेंज हो सकता है। ये हमारा जो एसबी है, देखिए EH2 और SB सीरीज की पीएलसी में हमारा नंबर ऑफ द इनपुट X0 से लेके X377 मीन्स 256 हमारे इनपुट हो सकते हैं जो ऑक्टल बीट होते हैं। ठीक है, अब आउटपुट, अब देखिए इनपुट मीन्स आप कोई भी पुश बटन या फिर किसी भी सेंसर का कनेक्शन हम X0 पे इनपुट पे ही करते हैं। आउटपुट से हम मेमोरी उसका आउटपुट लेते हैं, जैसे किसी भी मोटर या किसी आउटपुट को चलाना होता है तो हम आउटपुट को यूज करते हैं। सेम टू सेम Y0 से लेकर Y370 256 होता है और AB ऑक्टल होता है। AB ऑक्टल कहने का मतलब ये हुआ कि इसको भी हम एज ए 8-bit यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ OUT Y0 मीन्स ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट हमको इस पॉइंट Y0 पे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक पैलेट ब्रांच ले लूँ और इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ और इसको और कर देता हूँ, सपोज इसको न लगा कर मैं एक क्वाइल ले लेता हूँ। अगर मैं क्वाइल को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसकी ये तब तक नहीं हटेगा जब तक यस ये आप नहीं दबाएंगे। वंस अगेन मैं यहाँ पे आउटपुट को लिख देता हूँ, एड्रेसिंग कर देता हूँ इसकी Y2 कर देता हूँ Y2। अगर मैं यहाँ पे क्या अगर Y8 करूँ तो Y8 लेगा, नहीं लेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑक्टल बीट है। तो ये देखिए Y8 डिफरेंट कलर में आ गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बोलेगा तो ये हमारा गलत है। मीन्स ऑक्टल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर Y0 से लेके Y7 तक ले सकते, फिर Y10 से लेके Y17 तक ले सकते, तो इस मीन्स ये ऑक्टल बीट है। अब देखिए मेमोरी बीट, ये मेमोरी बीट काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी बीट है जो हमारे लॉजिक को सॉल्व करने के काम होता है। तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इनसाइड द सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। अगर मैं सपोज बोलूँ इस नेटवर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ, सीधे सीधे आप डिलीट कर सकते हो नेटवर्क को। वंस अगेन मैं एक न्यू नेटवर्क बनाता हूँ। अब मैं बोलूँ कि अगर आपके पास इनपुट नहीं है, मीन्स अगर आपको X0 यूज नहीं करना और आउटपुट को ऑन करना है तो आप कैसे यूज करोगे, कैसे ऑन करोगे? तो उसके लिए हमको HMI के थ्रू ऑन करना होता है, तो हम वहाँ पे मेमोरी बिट का यूज करते हैं। तो LD स्पेस M0, ये जो इंटरनल मेमोरी बिट होता है जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है, हमारे लॉजिक को इजीली सॉल्व करने के लिए हमको मेमोरी बिट का यूज करना होता है। तो देखिए M0 और यहाँ पे मैं एक आउटपुट OUT आउट Y0 लिख दिया, तो हम एक आउटपुट इस आउटपुट को हम यूज कर सकते हैं, मीन्स इस आउटपुट को ऑन करा सकते हैं थ्रू M0। अगर M0 हम HMI से ऑन करें तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं X0 नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मेमोरी बिट यूज किया। तो ये हमारा जो मेमोरी बिट है ऑक्सिलरी रिले है जो हमारे प्रोग्राम को इजी वे से सॉल्व करने के लिए होता है। अब देखिए जनरल पर्पज होता है 0 से लेके M599 तक, मीन्स टोटल 499 तक टोटल 500 पॉइंट होते हैं। इन सबको आप देख सकते हैं जब हम सॉफ्टवेयर में जब हम PLC को सिलेक्ट करते हैं उसी समय हमको यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट के तहत हमको ये मिल जाता है। और यहाँ पे SS2 को जब सिलेक्ट करेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा कि रिटेंटिव रेंज क्या है। तो ये कैसे चेक करना है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा हूँ कि M0 को अगर सेलेक्ट करें तो 512 से इतना तक लैच मेमोरी बीट होता है। जैसे कि इसमें भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए M500 से लेकर 599 तक इस मॉडल के लिए लैच है, वो SS2 के लिए है। तो ये हमारा इंटरनल मेमोरी बीट है, इंटरनल मेमोरी बीट मैंने जैसे कि यहाँ पे इस M0 से आउटपुट को ऑन करा सकते हैं। तो M0 M1 ये जो हमारा इसमें ऑक्टल नहीं होता, जो चाहे आप वो नंबर ले सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे M8 ले लूँ, LD M8, तो LD M8 ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये इसमें इनपुट और आउटपुट में ही सिर्फ वो हमारा कंडीशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि वही ऑक्टल होता है। बाकी इसमें M8 M9 जो भी आप यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हैं, LD स्पेस M9 ये सब एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारा देखिए आगे हम आते हैं, इसी तरह हमारा टाइमर होता है, काउंटर होता है, मतलब T मीन्स टाइमर को रिप्रेजेंट किया जाता है, C मीन्स काउंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यस मीन्स स्टेप रिले मीन्स जो हमारा मेमोरी बीट होता है उसी तरह एक स्टेप रिले भी यूज़ किया जाता है। बट इसको जनरल पर्पज में भी यूज़ किया जा सकता है और अलार्म सेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम चाहें तो हम मेमोरी बीट या स्टेप रिले भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टेप रिले का रेंज हमारा जो 0 S20 से लेके S499 तक होना चाहिए। सपोज वो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल LD स्पेस S20 या S30 जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक जनरल स्टेप रिले है।
ये मेमोरी बिट है, ये स्टेप रिले है, सेम एज इट वर्क करता है। जब आप प्रोग्रामिंग करके तो आपको आइडिया लग जाएगा, मैं आगे की पॉइंट जब बताऊंगा। ये हमारा टी मीन्स टाइमर को रिप्रेजेंट करता है, सी मीन काउंटर को रिप्रेजेंट करता है, टाइमर का रेंज टी जीरो से लेकर टी 255 तक होता है। तो इसी तरह ये हमारा एन पॉइंटर, एन को हम नंबर ऑफ द लूप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और टी हमारा पॉइंटर होता है, कॉल सब रूटीन जब यूज करते हैं तो पॉइंटर का यूज करते हैं। ये इंटरप्ट है, और के हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, और एच हमारा हेक्साडेसिमल पॉइंट होता है। तो ये हमारा कुछ फंक्शन था जिसको बताना आपको जरूरी था। ये डी मीन्स डेटा रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ई मीन्स इंडेक्स रजिस्टर होता है। इसमें देख लेते ई रिप्रेजेंट किया या नहीं, ये किसी और पी एल सी का, देन ई एच टू एस वी का। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरी सीरीज में बन रही है ताकि मैं सभी पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करा पाऊँ। जब मैं इसको यूज करूंगा एक्स वाई एम एस डी ई एफ टी सी, ये ई और एफ इंडेक्स डेटा रजिस्टर होते हैं, इसको कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो ये हमारा था पीएलसी में जो एक्स वाई एम एस जो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका सीरीज था। आप ये पीडीएफ चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ये डेल्टा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी कैटेलॉग या फिर पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बेसिक ही लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताया, तो उसको देखिए आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव तो हमें बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।